स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, मुर्दाबाद। देखिए कैंपस का आप लोगों को पता ही होगा, कैंपस का पिछले दो हफ्ते से ऐसा माहौल है कि हर शाम को यहाँ चोरी हो रही है। कल हमारे बच्चे की मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुआ है। कल शाम को हमारी बहन एटीएम से पैसा निकाल रही थी, तो जो ही उसने पैसा निकाला बाहर निकल गई, उसका पैसा चोरी हो गया है। परसों एक लड़का जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था, उसकी बाइक चोरी हुई है। तो एट गन पॉइंट, दिस इज ऑल हैपनिंग एट गन पॉइंट। और कल्चरल प्रोग्राम, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो रहा है। इतना फियर और डर का माहौल है कि हर अब बच्चा लाइब्रेरी लेट आने से, वापस आने से डर रहा है। हम चाहते हैं कि ये डर का माहौल ख़त्म हो। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी बिठाए कि जितनी भी चोरियां हुई हैं, जितनी भी चोरियां चकारी हो रही है, कि उसको जो है उसको सीरियसली लें। कि अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप कंपनसेट करिए, आप सीसीटीवी को अपग्रेड करिए। सीसीटीवी जब देख रहे हैं जहाँ जहाँ इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ तो लाइट नहीं होती है, आप स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करिए। आप हर नोक एंड कॉर्नर में स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल करिए। क्या आपको लगता है मौजूदा इंतजामिया तुलबा को हिफाजत फराहम करने में नाकाम है? बिल्कुल नाकाम है। पिछले दो हफ्ते से इतने इंसिडेंट, इतनी चोरी चकारी हो रही, वो भी गन पॉइंट पे। क्या आपको लग रहा है ये कोई कामयाबी है? ये नाकामयाबी है, सरासर नाकामी है एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारा ये दूसरा प्रोटेस्ट है, हमें डर लग रहा है। अब यूनिवर्सिटी से हम पाँच बजे से अब डर रहे हैं हम बाहर निकलने से, इतना डर का माहौल है। आप कट्टे पे लेके गन पॉइंट पे चोरी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रोटेस्ट निकालना है, अपनी बात को रेस करना है, जो उनके कंसर्न है वो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को किसी के खिलाफ इस तरीके से नारेबाजी भी गलत है, बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक के कैंपस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बिल्कुल आप कोर्स में इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि इधर दो तीन इंसिडेंट हुए हैं, एक के बाद एक हुए हैं, उस पर हम पूरा फोकस बनाए हुए हैं और कोशिश भी करें। अभी रात के में भी हमने जो है वो रेड कराया रात के 10:30 बजे, और 3 आदमियों को पकड़ करके यूपी पुलिस के यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किया गया है, बाकायदा इमीडिएटली ऑन स्पॉट बुला करके किया गया है। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुए हैं इस तरीके के इंसिडेंट ना हो कैंपस के अंदर। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करवा रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से बयानबाजी नहीं करना चाहिए।